हैं जो अभी आपको दिवाली ग्लो अप के काफ़ी ज़्यादा काम आने वाले हैं सो आई थिंक इट इज़ स्टिल काइंड ऑफ अ परफेक्ट टाइमिंग एंड ऑल्सो अभी जैसे विंटर्स वगैरह भी आ रहे हैं सो यू स्टिल नीड दिस प्रोडक्ट सो फेस्टिव मस्ट मैफ स्लैश A girl's must haves, if you may say so. So, yes, yeah, that is what today's video is going to be about some hair, face, body, nails, and whatnot like, literally everything I've covered in today's video. So, yes, if you are interested, keep on watching this video till the very, very end. But if you're new to my channel, take out a moment, hit that red subscribe button. Now, without any further blabbering, let's just dive right into the video. <laughs> जितने भी प्रोडक्ट्स आज आप लोगों को दिखाऊंगी सारी ही लिंक्स एज यूजुअल नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड होंगी तो आप चेकआउट कर सकते हो तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर लेती हूँ लेट्स ए बॉडी केयर प्रोडक्ट्स बिकॉज दे आर नॉट दैट मच सो सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट है टू हैव अ बॉडी पील लाइक दिस वन दिस इज़ द डॉक्टर शेड्स गुलाब एंड ग्लाइकोलिक एसिड बॉडी पील इसको मैं ऑलमोस्ट अपनी हर बॉडी केयर वीडियो में इस प्रोडक्ट को शेयर करती हूँ दिस इज़ माई थर्ड ट्यूब इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग एंड आई एप्सिल्यूटली लव दिस प्रोडक्ट अभी करवा चौथ के टाइम पर भी जब मैंने अपनी मम्मी का भी मैनी्योर एंड पेडिक्योर किया था सो आई अप्लाइड दिस पील ऑन हर एंटायर हैंड्स एंड हर एंटायर लेग एंड

सोटे आई एम रेकमेंडिंग दिस अर्थ रिदम का लिपी स्टैक इसमें आपको चारों ही प्रोडक्ट मिल जाते हैं जो कि आपके एक प्रॉपर लिप केयर सेशन के लिए असेंशियल बट दिस विप स्क्रब इज रियली गुड लुक्स लाइक दिस पर्पल कलर्ड एंड इट एक्सपोलियट इज अ गुड प्रोडक्ट इवन द प्लम का जो लिप uh, एक्सफोलिएटर है लिप स्क्रब है वो बहुत अच्छा है अगर आपको कोई ताम झाम नहीं करना है जस्ट टेक अ लिटिल बिट ऑफ लिप बाम एंड कॉफी एंड शुगर टू इट एंड आपका एक डी आई वाई लिप स्क्रब रेडी हो जाएगा तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो एंड देन यू नो लिप बाम्स एंड लिप मास्क सो हम एनी वेज डेली बेसिस पे यूज करते ही हैं बट अ लिप स्क्रब इज़ अ मस्ट हैव नेक्स्ट यू नीड टू गेट योर सेल्फ सम फेक नेल्स आप चाहो तो ऐसे वाले भी ले सकते हो ये ट्रांसपेरेंट आते हैं एंड देन यू कैन कलर देम इन वॉट एव कलर यू वॉन्ट जैसे मैंने इसमें कुछ कुछ कलर भी कर रखे हैं एंड कुछ कुछ ये भी रखे हैं एंड ये बॉक्स uh, काफी ज्यादा इनएक्सपेंसिव है एंड इसमें बहुत सारे नेल्स आते हैं ये मैंने बहुत सालों पहले लिया था एंड स्टिल आई हैव लॉर्ड ऑफ नेल्स रिमेनिंग एंड अगर आपको ऐसे बेट के पेंट वगैरह करने में आलस आ रहे हैं यू कैन गेट योर सेल्फ दीज स्टिक ऑन नेल्स इसमें आपको ग्लू ड्रॉप्स भी मिलते हैं इसमें आपको लिक्विड वाला ग्लू भी मिलता है यू कैन गेट अ मिस क्लेयर का ग्लू अलग से भी एंड इसमें पूरा आपका डिज़ाइनिंग um, हो रखा है इसमें काफ़ी सारे वेरा वे, वेरियंट्स आते हैं अमेजोन पे आपको बहुत सारे डिफरेंट ऐसे प्रेस ऑन नेल्स मिल जाएंगे सो आई पर्टिकुलरली लाइक बीज वंस क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है एंड ऑल्सो इनका जो साइज़ है ना वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं है दे आर लाइक मीडियमिश साइज़ एंड उसके वजह से इवन इफ़ यू आर यू नो डूइंग सम चोर्स तो आपके नाखून ऐसे टूट नहीं जाते हैं दे डोंट हिंडर योर वर्क तो इसीलिए मुझे ये वाले नेल्स काफ़ी ज़्यादा पसंद है सो या आई लिंक दैम नीचे नेक्स्ट एसेंशियल्स uh, तीनों में साथ में ही दिखा देती हूँ बिकॉज दे आर काइंड ऑफ इन द सिमिलर कैटेगरी तो सबसे पहले हैं ये आपके फैशन टेप्स ये कुछ इस तरीके से डबल टेप होते हैं एंड दे आर लाइक ट्रांसपेरेंट एंड आप किसी भी इंडियन uh, वेयर आप पहन रहे हो ना उसमें यूजली यू हैव लाइक दीज डीप नेक्स तो आप इसको अपने नेकलाइन को और अपने स्किन को ऐसे आपस में पेस्ट कर सकते हो एंड येस लाइक योर ड्रेस विल बी ऑल सिक्योर एंड उसके बाद आप कितना ही डांस करो कितना ही मूव करो योर ड्रेस विल नॉट मूव नॉट ओनली एथेनिक वेयर इवन इन वेस्टर्न वेयर इफ़ यू आर वेयरिंग लाइक ऑफ शोल्डर ड्रेसेज और ऑफ शोल्डर टॉप्स बैकलेस और यू नो वी नेक्स प्लन्जिंग नेकलाइंस तो ये टेप्स काफ़ी ज़्यादा काम आते हैं

category is these earlobe patches. ये आप अपने कान के पीछे स्टिक कर सकते हो एंड देन यू कैन पास योर ईयरिंग थ्रू दिस एंड उससे क्या होता है कि वेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है एंड वेन यू वियर दोज हैवी एथनिक झुमकाज तो आपके कान नीचे से खिंचते नहीं हैं एंड इवन आफ्टर द एंटायर नाइट ऑफ एयरिंग्स सच हैवी ईयरिंग्स आपके कानों में बिल्कुल दर्द नहीं होगा एंड आपका जो ये आ, हमारा पियर्सिंग रहता है ना वो भी स्ट्रेच नहीं होगा सो या दिस थ्री आर वेरी वेरी एसेंशियल्स मैंने इसे सिंगल सिंगल करके अपने बॉक्स में रखे हुए हैं बट आई विल लिंक यू नो लाइक अ फुल पैकेट फॉर यू ताकि आप लोगों को ये काफी ज्यादा फेस्टिविटीज में हेल्प करे मूविंग ऑन टू सम हेयर केयर प्रोडक्ट्स सबसे पहले फेस्टिवल सीजन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ड्राई शैम्पू बिक फेस्टिवल्स काफ़ी मतलब पाँच छः दिन लगातार जब चलते हैं ना तो यू के नॉट वॉश योर हेयर एवरी सिंगल डे एंड स्टाइल इट एवरी सिंगल डे तो वहाँ पे ना ड्राई शैम्पू काफ़ी ज़्यादा काम आता है वैन यू हैव लाइक ग्रीसी स्कैल्प तो आप तुरंत इसे ड्राई शैम्पू स्प्रिट्स करके यू गेट अ लॉर्ड ऑफ वॉल्यूम एंड यू गेट दैट फ्रेशनेस एंड उससे क्या आप अपने बालों को बिना धोए भी दो तीन दिन एक्स्ट्रा चला सकते हैं एंड देन आफ्टर यू नो द फेस्टिविटीज़

इसलिए मैंने स्ट्रेटनर खरीदा भी था बिकॉज आई वॉन्टेड टू ट्राई इट आउट एंड देन रेकमेंड कि ये कैसा काम कर रहा है एंड आई हैव बीन यूजिंग इट फॉर अ वाइल नाउ एंड इट वर्क अमेजिंगली वेल आई हैव बीन लविंग इट तो आप इस वाले को चेकआउट कर सकते हो इवन इफ यू डोट नॉट वॉन्ट टू गेट दिस वन यू कैन गेट एनी स्ट्रेटनर बेसिकली माई पॉइंट इज हैविंग अ स्ट्रेटनर इज अ मस्ट एटलीस्ट फॉर द फेस्टिव सीजन क्योंकि आप एक स्ट्रेटनर से काफ़ी सारे डिफरेंट हेयर स्टाइल्स कर सकते हो यू कैन स्ट्रेटन योर हेयर यू कैन क्रिएट वेव्स यू यू कैन क्रिएट कर्ल्स कर्ल्स वी यू कैन क्रिएट लाइक टू थ्री डिफरेंट काइंड ऑफ कर्ल्स विथ जस्ट स्ट्रीट नण्ड आपका ना लुक बहुत एलिवेट हो जाता है वैन यू हैव लाइक अ गुड मेकअप गुड आउटफिट गोइंग ऑन एंड योर हेयर लुक्स वेरी प्लेन ना तो इट जस्ट लेवल्स योर लुक डाउन सो फोकस ऑन यर हेयर स्टाइलिंग एम दिस टाइम एंड टू होल्ड दोज कर्ल्स एंड वेव्स इन प्लेस ताकि आपका हेयर स्टाइल लंबा लास्ट करे यू नीड अ गुड होल स्प्रे दिस वॉन्ट अगैन इज फ्रॉम बी ब्लॉट नाओ हैव बीन यूजिंग अ लॉर्ड ऑफ बी ब्लॉन्ट हेयर स्टाइलिंग टूल्स बिकॉज आई जस्ट लव दैम एंड मुझे ऐसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने का मन नहीं करता दैट्स द ओनली रीजन नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस आई के टी का बैक स्टिक नाओ ये वाला स्टिक काम आएगा अगर आपको ऐसे ज्यादा स्टाइलिंग नहीं करनी यू हैव लाइक अ थर्ड और फोर्थ डे ग्रीसी हेयर एंड यू जिस वॉन्ट टू क्री ट समथिंग एंड स्टेप आउट वहां पे ये वैकस्टिक काफी ज्यादा आपके काम आएगी बिकॉज यू कैन जस्ट अप्लाई इट

Need some things, some accessories to elevate your look. So, first must have is this. This is a fake hair scrunchie, and I will say top knot banao, ya fir ek, uh, low bun. Banao. And you just apply this fake hair scrunchie to your hair, and look. It looks like I've put in some efforts and created like a beautiful uh, messy bun kind of a look. ठीक है एंड देन यू जस्ट टेक आउट सम स्ट्रांस फॉर फेस फ्रेमिंग एंड दे यू हैव अ रियली क्यूट हेयर स्टाइल परफेक्ट फॉर द फेस्टिव सीजन लुक हाउ प्रिटी इट लुक्स एंड इसको ना केवल आप लोबन में टॉप नॉट में भी बना सकते हो बहुत अच्छा लगता है एंड सी हाउ माई लुक जस्ट एलिवेटेड इन लिटरली टेन सेकेंड्स दैट्स ऑल दैट इट नीड्स विद दिस फेक हेयर स्ट्रंच मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है मैं इसको दो बार खरीद चुकी हूँ एक बार मेरा खो गया था आई डोंट नो वेर इट वेंट बट या आई ऑलवेज हैव टू हैव दिस इवन वैन आई एम ट्रावलिंग ताकि अगर मेरे ऐसे ग्रीसी से बाल हो रहे हैं तो एटलीस्ट आई कैन डू लाइक अ स्लीक बन एंड मैं इससे अपने बालों को पूरा स्लीक कर लेती हूँ और भी बहुत सारी हेयर एक्सेसरीज़ होती हैं लाइक फेक गजराज फेक फ्लावर्स उसकी मैंने एक अलग वीडियो बनाई है आई बॉट लाइक अ लॉर्ड ऑफ हेयर एक्सेसरीज़ फ्रॉम मीशो बहुत ही सस्ते सस्ते प्राइसिस में एंड दे टर्नड आउट अमेजिंग एंड मैं उन्हें बहुत ज़्यादा फेस्टिवल्स में अभी यूज़ कर चुकी हूँ करवा चौथ वगैरह में मम्मी ने यूज़ किया था उनको सो so, वो वीडियो मैं लिंक कर दूँगी आई बटन में आप चेकआउट कर सकते हो एंड ऑल्सो आज की वीडियो में मैंने ना कोई भी जूलरीज नहीं रखी है बिकॉज ऑफकोर्स ज्वेलरीज़ अ मस्ट है

टू ऑफ माई फेवरेट फेवरेट फ्रीग्रेंसिस जिसमें से एक की खतव, एक खतम एक ख़त्म भी हो चुकी है एंड इट इज़ ऑन द वे मैं ऑर्डर कर चुकी हूँ अभी दो तीन दिन में डिलीवर हो जाएगी इज दिस दिस इज़ रेनेका रेड नोयर दिस परफ्यूम इज़ अमेजिंग नाउ यू गाइज नो दैट आई एम वेरी वेरी बैड एट एक्सप्लेनिंग फ्रेगरेंसेज तो मैं इसके नोट्स यहाँ स्क्रीन पर मैंशन कर दूंगी ताकि आप लोगों को एक आइडिया लग जाए बट इट इज़ अ व वेरी वेरी गुड फ्रेगरेंस अभी इसमें बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ है बट या जस्ट स्मेल्स अमेजिंग लाइक आई कुड वेयर इट एवरी सिंगल डे मैं इसे डे में पहन सकती हूँ नाइट में पहन सकती हूँ इंडियन वेस्टर्न डे नाइट फेस्टिवल किसी भी ओकेजन पर मैं इस परफ्यूम को पहन सकती हूँ इट इज़ दैट गुड एंड And the new favorite that I have is this one from Plum Body Loving. This is their EDP in the variant Starry Lights. This is a perfume. Hai. It just smells so good. Like again, I cannot explain you the fragrance. I'll leave the notes here. But yeah, these two fragrances are my current favorite. I have a lot of other favorites too. But yeah, top pe chal rahe. If you want me to make a video of like rating all my perfumes and sharing all of my favorite perfumes with you, uh toh mujhe comments. Na, wo video bhi bana but yeah, that was it for fragrance. Next, I have this. This is the Urban Yoke No Strips. Now festivities ke time pe, everybody is going to do like a glow up thingy. so this is what the nose patch looks like. इसको आपने आपने नाक पर stick करना होता है and then you remove it. सारे blackheads, सारे छोटे-छोटे जो hair होते हैं, whiteheads होते हैं, सारे के सारे remove हो जाते हैं and your new nose feels सुपर सुपर क्लीन एंड स्मूद लाइक नोज पे जो टेक्सचर हो जाता है ना वो बिल्कुल भी रिमूव हो जाता है एंड देन इसके साथ ना ये एक बी एच ए सीरम आता है इसमें सेलिसलिक एसिड सीरम है बेसिकली तो जब आप वो रिमूव करते हो तो आपके ओपन पोर्स हो जाते हैं ना उनको क्लोज करने के लिए एंड ऑल्सो आपके पोर्स को क्लीन रखने के लिए यू अप्लाई दिस सीरम ऑन टॉप एंड यू आर गुड टू गो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है मैंने और भी नोज स्ट्रिप्स ट्राई किए हुए मिनीसो के मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है बट इसका जो ये सीरम थिंग आता है ना साथ में वो भी काफ़ी अच्छा है तो इस है, अभी काफ़ी टाइम आई हैव बीन यूजिंग दिस वन ओनली नेक्स्ट थिंग अ मस्ट हैव इज अ फेशियल रेजर सो मेरे फेवरेट हैं ये कार्मेसी के रेजर आई हैव लाइक अ बंच ऑफ देम सो ये मुझे काफ़ी ज्यादा पसंद है आप देख रहे हो कि मैं कम से कम भी नहीं तो दो तीन सालों से सा आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मेरा फेस आ, शेविंग रूटीन अगर आप चाहते हो मैं एक अपडेटेड वीडियो बनाऊँ तो लेट मी नो बट येस फेस शेविंग आई थिंक पर्सनली इज

फ़ेस इज़ लाइक यू नो क्लीन विद नो हेयर तो मेरे सारे स्किन के प्रोडक्ट्स अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाते हैं मेरी स्किन पे मैंने लिटरली डिफरेंस देखा है शेव करने से पहले और शेव करने के बाद जब मैं स्किन केयर करती हूँ ना तो जो इफेक्ट दिखता है ना इट इज़ लाइक रियल एंड ऑल्सो वेन यू हैव योर फेस शेवड तो आपका जो मेकअप है ना वो बहुत अच्छे से आपकी स्किन पे बैठता है बालों के ऊपर ऐसे नहीं बैठता तो यू विल नॉट बी एबल टू सी मेकअप ऐसा सेपरेट सेपरेट होते हुए बिकॉज हेयर जब आपके फेस पे होते हैं ना तो वो दिखता है इवन इफ यू ब्लीच योर हेयर हेयर इज स्टिल देयर तो वो थोड़ा यहाँ पर टेक्स्चर जैसा दिखने लग जाता है सो या आई रियली लव फेस शेविंग एंड कार्मेसी के रेजर्स आर माई फेवरेट्स नेक्स्ट इज़ अ मास्क दिस इज़ द एफ सी एल का डीटैन मास्क आई के नॉट स्पीक इनफ अबाउट दिस प्रोडक्ट आई हैव यूज अ लॉर्ड ऑफ मास्क आज तक बट दिस वन इज वन ऑफ द बेस्ट इसको मैं बहुत ज्यादा यूज करती हूँ वाई बिकॉज इट शोज रिजल्ट फ्रॉम द फर्स्ट यूज इट सेल्फ आप इस मास्क को यूज करोगे आपको तुरंत डिफ्रेंस दिखेगा अपने डिटैनिंग मतलब अपने टैनिंग में बिकॉज uh, आपको टैनिंग हो रखा है यू मास्क लगाओ ना आप जैसे मास्क हटाओगे एंड यू विल सी योर स्किन ग्लोइंग एंड वो टैन की लेर रिमूव होते हुए आपको तुरंत दिख जाएगी तो इट इज़ लाइक अ रियली रियली गुड मास्क फिफ्टीन मिनट्स ग्लो अप इन अ

ठीक है इसकी शेड्स मैं आपको नीचे लिंक कर दूंगी एंड द सेकेंड वन इज़ दिस एक्वा कलर के लेंसेज तो ये दो ही लेंसेज हैं जो मैं यूज़ करती हूँ वाई बिकॉज ये दोनों uh, काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल हैं आप चाहो तो वन डे वेयर ले सकते हो इफ़ यू डोंट वेयर लाइक लेंसेज एवरी डे बट आई बाई मंथली पैक्स क्योंकि मेरे को रोज़ कभी कभी शूट में काम आ जाता है सो डेली वेयर वाले लेंसेज आर नॉट वेरी वेरी इकोनॉमिकल फॉर मी तो मैं मंथली वाले लेती हूँ बट यू कैन चूज़ एनी वाई बिकॉज आप पूरा अपना लुक क्रिएट करो एंड देन यू ऐड कलर्ड लेंसेज आपका लुक ऐसे चेंज हो जाएगा एंड लाइक रियली ट्राई इट वंस वे अगर आपको बहुत ज़्यादा ऐसा ड्रामेटिक नहीं जाना यू डोंट वांट लाइक ब्लूज और ग्रीन्स Just go for a simple grey or even a brown. मतलब even if you have like black, black or dark brown eyes, you go for a brown lens. एक तो आपकी ना eyes बड़ी दिखने लग जाती हैं and they just start glowing and बहुत अच्छा लगता है Like lens लगा के आपका look बहुत ज़्यादा elevate हो जाता है And currently I have been uh, using fresh look के lenses in the shade sterling grey. मुझे काफ़ी सारे अभी आ रहे थे नवरात्रि सीरीज में कि which lens you wearing. Currently I am not wearing any lens. This is the natural eye color that I have. बट येस आई लव यरिंग लेंसेज कलर्ड लेंसेज आर माई थिंग बिकॉज पूरा लुक एलिवेट हो जाता है लेंस पेंट के एंड दी मच ऑल द प्रोडक्ट दैट आई हैव फर यू लाइक द मस्ट हैव ऑफकोर्स मेकअप में भी देर आर सम मस्ट हैव बट वो मैं आज की वीडियो में इसलिए नहीं शेयर कर रही हूँ बिकॉज पिछली वीडियो मैंने शेयर करी थी अफोर्डेबल मेकअप किट फॉर बिगिनर्स अंडर रुपीज फाइव हंड्रेड सो इफ़ यू वॉन्ट लाइक मेकअप रेकमेंडेशंस फॉर द फेस्टिव सीजन तो आप जाके वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हो एंड येस दैट वॉज इट फॉर टू वीडियो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा मुझे कॉमेंट करके बताना कि आपको और कौन से कौन से वीडियोस देखने हैं एंड येस लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल आई शैल सी यू सुपर सुपर सून इन माई नेक्स्ट वीडियो टिल दिन स्टे सेफ स्टे हेल्दी बाय बाय